नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को हमारे चैनल सरकार लिट में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई कोर्ट यानी कि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या मांग है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो हाई कोर्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कितना टाइम दिया है DU SOL OBE का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहली बात तो DU जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है DU को कि एक एफिडेविट मुझे एक फाइल करो विद इन 5 डेज। 5 दिन के अंदर मुझे एक एफिडेविट चाहिए। उस डेफिट जो एफिडेविट है उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने कितनों बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, किस कोर्स का किया है और कितने दिन तक किया है। क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम आपका अगस्त में हुआ था और अभी है अक्टूबर, नवंबर चल रहा है दोस्तों, नवंबर का एंड चल रहा है। आज 21 तारीख है और 9 दिन बाद फिर से नवंबर खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों 5 दिन के अंडर मांगा गया है। 26 तारीख को न्यू हियरिंग है तो उस दिन आपको जो चीजें पता चलेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कब तक जो अपनी रिजल्ट है SOL OBE का वो जारी कर सकता है। क्योंकि DU ने अपने रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो OBE का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। कुछ कोर्सेज का कर दिया है, कुछ कोर्सेज का करना अभी भी बाकी है। तो थोड़ी देर कुछ दिन पहले, एक 7 दिन पहले जब मैंने SOL को मेल किया था तो उन्होंने कहा था कि मार्किंग अभी चल रही है, मतलब कि आपका जो मार्कशीट है मार्कशीट पे मार्किंग चल रही है, कितनी मार्किंग किसको मिली है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मार्क्स कैलकुलेशन। बट अब जो है दोस्तों दिल्ली जो हाईकोर्ट है उन्होंने एकदम कंस्ट्रक्टली कहा, मतलब स्ट्रिक्टली कहा है कि बच्चों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए। वो एफिडेविट मांग रहे हैं 5 दिन के अंदर, इसलिए ताकि उनको पता तो चले कि उन्होंने किस बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, किस कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों का या तो लास्ट एंड ऑफ जो एंड अगर नवंबर के एंड होते होते OBE का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका सेकेंड ईयर का जो बच्चे हैं एनुअल मोड में उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, और ना तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ये चीज तो पक्का है कि दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर OBE का रिजल्ट पक्का पक्का आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद सेकेंड OBE एग्जाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो दोस्तों न्यूज यही थी कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनको एक एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया गया, बोला है, जिसमें वो डिटेल्स मेंशन करेंगे कि किस बच्चों का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है, किस बच्चों का नहीं किया है। तो यहाँ पे वो चीजों पे थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे और आप सभी बच्चों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी मंगवाएंगे। तो दोस्तों चैनल पे ऐसे बने रहना और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों ये न्यूज, क्योंकि जो न्यूज है बहुत पक्की है, आपको साइड स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब जब मिलेंगे हम दोस्तों तो रिजल्ट लेके ही मिलेंगे। और आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि जो रिजल्ट है रिजल्ट आपकी जल्दी आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।